विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो एग्जाम्पल है 2 to the power of 24 - 1, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो आसानी ट्रिक से हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर कैलकुलेटर नॉट अलाउड, ठीक है। तो सॉल्यूशन विदाउट कैलकुलेटर हम करेंगे 2 to the power of 24 - 1। तो इसे मैं 2 to the power of 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 to the power of 12 whole to the power of 2। ओके, ये माइनस वन एज यूजल हम लिखेंगे। तो यहाँ पर पावर यूज कर दो, a to the power of m whole to the power of n इक्वल्स a to the power of m into n। यहाँ पर a इज 2, m इज 12 एंड n इज 2, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12 into 2 मीन्स 24 ही बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये वन एजुअल है तो इसको हम स्क्वेयरिंग कर देंगे, वन का पावर कुछ भी रख दो वो वन ही रहते हैं। तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा बन गया। देखो ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर के जैसा बन गया, ठीक है। यहाँ पर ए स्क्वायर इज ये इज यहाँ पर ये इज क्या बन रहे, 2 to the power of 12 बन रहे, और बी क्या बन रहे, ओनली वन बन रहे। तो ये हमें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी देगा, ये आइडेंटिटी। तो यहाँ पर ए इज 2 to the power of 12 एंड बी इज 1 रख लो, तब ये बनता है इक्वल्स, यानी 2 to the power of 24 - 1 इज इक्वल्स टू 2 to the power of 12 - 1 होल स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी ए माइनस बी, ए इज 2 to the power of 12 प्लस बी इज 1 इंटू 2 to the power of 12 - 1। हमें पता रहना चाहिए 2 to the power of 12 का वैल्यू क्या होता है। सपोज 2 to the power of 10, तो यहाँ तक तो हमें आना चाहिए 2 to the power of 1 का वैल्यू क्या होता है, 2 to the power of 2 क्या होता है, 2 to the power of 3 क्या होता है, सब बताते हैं। यहाँ पर तो कम से कम 2 to the power of 10 तक चाहिए हमें। तो 2 to the power of 10 होता है 1024। तो तब 2 to the power of 11 क्या होता है, इसका डबल होता है, तो 2048। अभी नेक्स्ट 2 to the power of 12 नेक्स्ट आ रहा है, इसका डबल क्या, 2 to the power of 12 क्या होता है, इसका डबल हो जाता है, यानी 4096। ऐसे डबल करते हैं 2 to the power of 13 इसका डबल करते हैं जब, लेकिन हमें यहाँ तक ही चाहिए 2 to the power of 12 चाहिए, यहाँ पर हम रुकेंगे। तो इसका अगर 2 to the power of 9 अगर पूछा तो इसका आधा हो जाता है, तो 512 होता है। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ 2 to the power of 10 तक का वैल्यू हमें, 1 से 2 to the power of 10 का वैल्यू हमें पता रहना चाहिए। आगे कम कौन से भी हैं ईजी से हम निकाल सकते हैं। तो 2 to the power of 12 मीन्स 4096, 2 to the power of 12 के जगह में मैं 4096 लिखता हूँ, चलेगा। तो प्लस वन एज यूजुअल, यहाँ पर 2 to the power of 12 से में तो 4096, यहाँ पर माइनस वन है, ठीक है। तो इक्वल्स 4096 प्लस वन मीन्स 4097 होता है, इंटू 4096 माइनस वन मीन्स 4095 बनता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर आसान करने के लिए इस 4097 को मैं क्या करता हूँ, 4100 यहाँ पर माइनस 3 करेंगे, तो 4100 माइनस 3 में 4097 ही बनते हैं, तो इसको इंटू कर देंगे। और इसे 4095 को 4100 यहाँ पर माइनस 5 करेंगे, तो 4095 ही बनता है, ठीक है। तो ये बन गया, कौन सा फॉर्म में बन गया, देखो ये 4100 ये समझ लो, और ये माइनस ए ये 3b समझ लो, इंटू ये 4100 ये है, तो सेम है ये माइनस, यहाँ पर ये सेपरेट है, तो ये c समझ लो। तो ये माइनस b इंटू ये माइनस c का हमें मल्टीप्लिकेशन चाहिए, भी दोनों का मल्टीप्लिकेशन है क्या, तो बटरफ्लाई मेथड यूज़ कर दो। तो ये इंटू ये स्क्वायर माइनस ये इंटू c माइनस ये इंटू b माइनस माइनस प्लस b इंटू c, ठीक है। तो ये स्क्वायर एज यूजुअल, यहाँ पर ये है यहाँ पर भी ये है, तो माइनस ये कॉमन लेंगे इसमें, तो यहाँ पर बी प्लस सी बनते हैं, तो सी प्लस बी बनते हैं, मैं पहले बी लिया बाद में सी ले रहा है, तो बी प्लस सी एज यूजुअल। तो यहाँ पर ये आ गया ये स्क्वायर माइनस ये टाइम्स बी प्लस सी प्लस बी सी बन गया। तो ये इज हमारे पास 4100 है, और बी इज 3 है, सी क्या लिया है 5 है। तो इस इक्वेशंस में वैल्यू पुट कर दो, तब ये बनता है इक्वल्स 4100 ये माइनस बी की
की आइडेंटिटी यूज कर दो, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स 4100 होल स्क्वायर माइनस टाइम्स ए 4100 टाइम्स ए बी प्लस सी, बी इज 3 प्लस सी इज 5, ओके प्लस बी इंटू सी मीन्स बी इज 3 सी इज 5, ठीक है। तो अभी सिंप्लीफाई करेंगे, 2 टू द पावर ऑफ 24 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4100 होल स्क्वायर माइनस 4100 इंटू 3 प्लस 5 मीन्स 8 बनते हैं प्लस ऑफ ये दोनों ब्रैकेट, ओके 3 इंटू 55 मीन्स 15 बनते हैं। तो यहाँ पर 4100 होल स्क्वायर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 8 1 8 8 4 32 और बाकी का आगे का 2 0 रखो तो प्लस 15। तो अभी हमें चाहिए 4100 का स्क्वायर, तो 41 का स्क्वायर क्या होता है हमें मालूम है, 41 का स्क्वायर होता है 1681, तो 41 का स्क्वायर रख दो 1681 रख दो, ये 2 0 का स्क्वायर है तो 2 0 है तो आगे का 4 0 कर दो, तो 1,68,10,000 बनते हैं। तो माइनस ये 32,200 इसमें माइनस कर दो और प्लस इसमें 15 प्लस कर दो, तो इसमें 1681 फोर टाइम्स जीरो यानी 1,68,10,000 में अगर 32,800 अगर माइनस किया तो ये क्या आता है 1,67,200 आते हैं, ठीक है माइनस प्लस ये 15 एज वेल, खाली हम इसमें ही देखा तो ये आ गया, तो इसको 15 प्लस कर दो तब ये बनते 1,67,215 यानी 2 टू द पावर ऑफ 24 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1,67,215 यानी 1,67,77,215 1,67,215। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।